श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं पञ्चत्रिंशः सर्गः विश्वामित्ररामसंवादः रामस्य गङ्गामूलोत्पत्तिश्रवणे च विश्वामित्रकृतगा गङ्गोमोत्पत्तिवर्णनं च उपा रात्रिशेषं तु शोनाकूल महर्षि निशायां सुप्रभातायां विश्वाम्यषत सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्त उत्तिषोत्तिष भद्रंते गमनायाचय तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वानिकक्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच अयं शोणः शुभ जलो अघात पुली मंडी कतरे ना ब्रह्म संतरष्यामे वह मुक्तस्तु राण विश्वाम ब्रवीदीद ये पंता मोधिष्टो येन या महर्षय मुक्ता धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च तेगत्वा दूरमध्वानं गते ददिवसे दध, तदा जानवीं सरितां श्रेष्ठां तद्रुष्ुर्मुनि सेवितां ताम दृष्ट्वा पुण्यसलिलाम हंससारस सेवितां भबुूर्मुनय से, सर्वे मुदिता सहरागभाग तस्यास्थिरे तदा सर्वे

जानवी तीरे शुभा मुदितनस विश्वाम महात्मा परिवार सतिताशा न्याय राघवोचयता हम्रहृष्टमो विश्वामताब्रवीत श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपदगां नदीं त्रैलोक्यं कथयाञ्च कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम् चोदिताम वाक्य विश्वाम महा मुनि वृद्धि जन्म वक्तुमेवो पचक्रमे शैलेन्द्रो हिम्वान्म धातूनामा क्रमो धातु करो महान तस्य कन्या राम रूपेण प्रतिमं भुवि या मे ऋदुता राम सुमध्यमा मध्यम नाम मे नाज्ञा वै पत्नी हिमवत प्रिया तस्याम गंगे यमव अभवज्यष्टा हिमवतसुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव अतज्यष्टां सुरा सर्वे देवकार्याचिकितेशया शिलेन्द्रं वरया मासु गंगां त्रिपदगां नदी ददौ धर्मे नहि मवान स्तनयाम् स्वच्छन्त् स्वच्छन्द पदगां स्वच्छन् स्वच्छन्दपदगां गङ्गां त्रैलोक्यहितकाम्यया प्रतिगृह्य प्रगृह्य त्रिलोकार्थं त्रिलोकहित गङ्गामादाय ते गच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना याचान्या शैलदुहिता कन्या रघुनन्दन उग्रम सुव्रतमास्थाय तपस्ते पेतपोधना उग्रेण तपसा युक्तां ददो शैलवरसुतां रुद्राया प्रतिरूपाय उमां लोक नमस्कृतां एते ते शैलराजस्य सुते लोक गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमादेवी च राघव एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामि त्रिपथगामिनी गामिन, कं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां गतिम वर सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रतनया तदा सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंच त्रिंशः सर्गः